सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। रुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय हमारा सती प्रकरण जो चल रहा है, शिव महात्मय का, शिव महिमा का, शिव पुराण का, उसमें देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधारकर शिव द्वारा दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। बोल शंकर भगवान की जय। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ इस स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परापरात्पर हैं। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्रयंबक और विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप द्विगुण एवं गुणात्मा हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाशपूर्ण चिदानंद स्वरूप हैं, परम परब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त कर लेते हैं, विभक्त करके आपने समस्त संसार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय से ही सूर्य तपता है और आपके भय से ही मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधो महिषान परमेश्वर, प्रसन्न होइए, हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं। हम सब नष्ट और अचेत हो रहे हैं, हे प्रभु प्रसन्न होइए। अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। नाथ करुणा निधे शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सुरक्षित रखा है, ठीक उसी प्रकार आज भी हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवताओं आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णता आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म में पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे हैं, वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप ना हो। रुद्रदेव, आपके भाग से यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी उवाचा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति और मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा। महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मैं सच्ची बात कहता हूं तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा
सदा माना है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो दक्ष दूसरों को कष्ट देने वाला हो वैसा फलित होगा। कहते हैं परम वेष्टि परेशाम यदात्मनस्त भविष्यति परेशाम कलेदनम कर्म न कार्ये तत् कदाचन। कहते हैं दक्ष का मस्तक जल गया है इसलिए इनके सिर को इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं यजमानों के दांतों से भली भांति पिसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरी की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ के भाग यज्ञ के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अर्ध अर्धवायु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। भगवान शिव आगे कहते हैं ये प्रेमवश कहा है तो इस पर नारद जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति परम दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए, उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि पुष्टि रति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्य अन्य बहुत से यज्ञ गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुरावस्था देखकर भगवान शंकर ने अपनी गणनायक पराक्रम महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा महाभाव वीरभद्र यह तुमने कैसा काम किया। तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता और ऋषि आदि की को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स जिनसे ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया है इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला है उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रही देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा प्रभो शंकर मैंने तो उस समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरी द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया।
उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने पर प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठ खड़े हुए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल कर दिया एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शंकर की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित होकर लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और अंत में कहा, परमेश्वर, आप ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करके करने के लिए यहां आए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। हे भक्त वत्सल महादेव, दीन बंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षडविध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत भाव से प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान विषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर महाप्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया है। आपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही कर्तव्य से रोकने वाले। महामुने, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शंकर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल गया था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं द्वारा दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीयोध्याय। आज अध्याय 41 और 42 पूर्ण हुआ। कल हम 43वां अध्याय करेंगे। 43वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, हम वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, संकीर्तन करेंगे भगवान शिव का, दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता यानी भक्त की श्रेष्ठता श्रेष्ठता तथा यानी देवताओं की एकता बताना।
दक्ष को अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्।